आकड़ दे नाल तुरने कीता दौलत दे नशे खराब तैनो तेरी दौलत आराम ना लैन दिंदी भुलिया कबर दा सखत अजाब तैनो मन रब्बू का कहन गे मार बुरजा अगो आवना नहीं जवाब तैनो दुनिया दी लैटन दे अंदर बैठने वाले जगमग जगमग कर दी हुई रोशनी दे अंदर बैठन वाले आ दोस्तां ते सजना ते बेलियां दे अंदर महफल लगाने वाले कदी कबर दी अंधेर कोठी नूं याद कर लिया कर अल्लाहु अकबर कबीरा मन रब्बू का कहन गे मार बुरजा अगो आवना नहीं जवाब तेनो ओथे रोवेंगा वेख के अमल नामा ओथे रोवेंगा वेख के अमल नामा जदों देना पवेगा हिसाब तेनो पक्के महल ते माड़ियां वाले आए अज तू कहने मौलवी जी मेरा सिर खुरकन वास्ते टाइम नहीं मैं किवें मसीते आ जावा खुदारा खुदारा जदों रब दा बुलावा आ जाना जे फिर सारे ही टाइम निकल आंदे ने पक्के महल ते माड़ियां वाले आए एक दिन केर ना आन तकदीर तैनो तेरा माल कमाया है तेरे जाना जदों अजल दा वजेया तीर तैनो नहला के कफन पिर दे देवन हथी टोरनगे मां प्यो वीर तैनो नहला के कफन बिर दे देवन हथी टोरनगे मां प्यो वीर तैनो ओ पोया असल दे अंदर अपनी जिंदगी गुजारने वाले अज बंदगी रब दी कर बंदे कल नहीं आ सकदी कल नहीं ओ आनी कल फिर दूर हो जाएगी अज 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 बंदगी रब दी कर बंदे कई ऐसे भी बद नसीब ने जेड़े हले तिकर दुकाना खोल के बैठे ने हले तिकर बाजारां दी जीनत बने हुए ने अज बंदगी रब दी कर बंदे अज बंदगी रब दी कर बंदे दित्ती जिंदगी रब कदीर तैनो सुभान अल्लाही असरा भी अबदी ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਖਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਨਵਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਰਾਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮਿਹਰਾਜ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਤਾਬ ਓ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਹਿਨੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਪ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਾਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਆਪ ਸੱਤਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਾਜ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਹਾ ਮਰਤਬਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਹਾ ਮਰਤਬਾ
लेकिन जिस्मानी मिराज जिहड़ी है वह एक दफा ही हुई। ख्वाब के अंदर आका अली सलाम ने पता नहीं किन्नी दफा जन्नत की सैर की, बल्कि सही उल बुखारी की हदीस है नबी अली सलाम नमाज पढ़ा रहे ने ते ना दो तीन दफा आप मसले ते खड़े ने नमाज की हालत अगे वधे बार बार जिमें आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं। तो सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी नमाज की हालत के अंदर अजीब कफीयत क्यों बनी, आपने फरमाया मेरे सहाबा नमाज की हालत के अंदर मैं देख रहा सा जन्नत के अंदर मेरे सामने अंगूरों के फल जन्नत के अंदर वो मेरे सामने किए जा रहे सन और मैं कोशिश करना सा उन्होंने पकड़ लवा। इस वास्ते नबी की अजमत शान है। हुण सवाल यह है कि मसला तो यही है ना जिहड़ा साडी समझ च आ जाए, तो वह कादा मसला है कि कुरान पढ़ी जाना तो ना जनाब जेहन के अंदर बिठाना ना गल ना बात, पता ही नहीं है इनका मकसद की है। जुमा अदा करके चले गए पता ही नहीं इनका मकसद की है, जुमा कादे वास्ते। जिमें महीने बाद दो महीनों बाद गड्डी की टूनिंग कराई दी है ना, ये अल्लाह ने ताड़ी टूनिंग वास्ते जुमा रखे कि जड़ियाँ था साढ़े से थोड़िया बहुत कमियां ने ना वो दूर हो जाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नबी अली सलाम नू मिराज क्यों करवाई गई, एक क्यों यानी कि मामला पेश आया कि आप नू सत्ता समाना की सैर करवाई गई। अल्लाह अकबर कबीरा, वजूहात बहुत ज्यादा ने लेकिन जड़ी मेन दो तीन वजह ने जिथों तिकर मैं मुतालिया किया और कुरान हदीस की स्टडी की है कि मेन वजह यह सी नबी अली सलाम नू मिराज करवाने की। नबी अली सलात व सलाम नू तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने ना अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया है और नबी अली सलात व सलाम नू मिराज कराने की वजह कि काफरां जालमां ने नबी अली सलात व सलाम के जुलम की इंतहा कर दी, हत्ता कि आप नू शेबे अभी तालब के अंदर कैद कर दिया गया। 2.5 साल तिकर मेरे महबूब अली सलातु सलाम कैद के अंदर रहे, कादे वास्ते, इस्लाम वास्ते, दीन वास्ते, कुरान की रिफत वास्ते, अल्लाह दे तुहीद वास्ते। 2.5 साल ना कोई खाण है ना कोई पीण है, सहाबा बयान करते ने असी चमड़े चूस चूस के गुजारा करया कर दे। नबी अली सलाम नू कैद कर दिता, वो आपते मुसीबत अजमैशा, हत्ता के जदों आप ताइफ की वादी ते गए इन जालमा ने इन्ने पत्थर मारे, मैं राती सीरत का मुतालिया कर रहा सा, इन्ने पत्थर मारे नबी अली सलातु सलाम गिर जाते बेहोश हो जाते। तो आप खुद बयान करते ने कि एक काफर दो बंदे सहारा दे के मैनू खड़िया कर दे, खड़ा करके फिर पत्थर मार दे। इन्ना जुलम ज्यादती की इंतहा नबी अली सलातु सलाम बड़े गमजदा बड़े परेशान, अल्लाह अकबर कबीरा, इन्ना काफर ने जुलम ते ज्यादतियां कीतियां इतों तिकर के पहले नबी अली सलाम का बाप दुनिया तो चला गया, अम्मी दुनिया तो चली गई, फिर जड़ा अब सरदार अबू तालब नबी अली सलाम का चाचा आपकी कफालत करने वाला, नबी अली सलात सलाम का चाचा भी अल्लाह अकबर दुनिया तो चला गया और उन्हें बल्कि ऐलान कर दिता कि हुण जे तौहीद का ऐलान करना ही ना तो अपने कंधियां दे भार ते करना ही, लिहाजा मैं इन सारे का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, सारी कुफर एक सैड दे। नबी अली सलाम इन्ने परेशान इन्ने गमजदा, नबी अली सलाम की रात भी मुसीबत ते परेशानी च गुजरती है, दिन भी आजमैश के अंदर गुजरता है। एन इस मौके आते मेरे महबूब अली सलातु वसलाम नू अल्लाह रब रहमान ने छड़ दो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज करवाई। हुण एक छोटी जी ब्रेक ला के एक गल समझा जे, बतौरे गल समझाने वास्ते एक मिसाल देना। अल्लाह ना करे किसी की शादी हुई होवे, उनकी बीवी का बाप फौत हो जाए या अम्मी फौत हो जाए तो वह औरत बड़ी परेशान होंदी है, या अल्लाह ना करे किसी का बेटा दुनिया तो चला जाए तो वह अपनी बीवी का बच्चों का या अपना दिल बहलाने वास्ते उन्हें ससुराल लै जाता है कि चंद दिन तू इत्थे रह तेरा दिल बहल जाएगा तेरा गम घट हो जाएगा। और इस तरह बच्चों बंदा सैरो तफरी करने वास्ते लै जाता है कि बच्चों का दिल बहल जाएगा इन्हों का गम घट हो जाएगा। बच्चों बंदा क्यों सैर करवाता है, बच्चों का दिल बहलाने वास्ते। नबी अली सलातु सलाम भी बच्चों सैर वास्ते ले जाया करते।
तो ये सारे मामलात जो नबी अली सलाम की हालत अल्लाह ने वेखी तो अल्लाह को बर्दाश्त ना होया। मेरे नबी का तो कोई भी नहीं, ना बाप है, ना माँ है, ना भैन, ना भरा, कुछ भी नहीं, कोई भी साथ देने वाला नहीं। तो अल्लाह रब रहमान ने इस मौके पर अपने महबूब न सत्तां आसमाना दियां सैरां करवाइयां अपने पैगंबर का दिल बहलान वास्ते कि मेरे महबूब का गम घट हो जाए। आकाल इस्लाम जदों सैर करनगे जन्नत नू देखणगे मेरे महबूब अली सलातो सलाम राजी ते खुश हो जाणगे। ऐ असल वजह सी मेराज करवाने अल्लाह ने अपने महबूब का दिल बहलाया मेराज करवा के। सुबहान अल्लाह किन्नी अजमत वाला नबी है, किन्नी शान वाला। इंदा नक्शा अल्लाह ने कुरान दे अंदर खिंचिया है। जरा कुरान ते तवज्जो करो, अपने सीनिया नू नूर नाल मुनव्वर करके लै जाओ। मेरे पाइयो कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह दियां रहमतां हासिल करो। किन्ने खुशकिस्मत वो लोग ने जेडे अल्लाह के घर के अंदर आते ने सिर्फ रब की रजा पाने वास्ते, अल्लाह की रहमत से खुशनुदी हासिल करने वास्ते। ये दुनिया तो तुर जाना, मर जाना, अज मेरी वारी ते कल ताड़ी वारी है। चंद दिनों की जिंदगी तवज्जो करे आजे। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तवज्जो करे आजे गौर फरमाना। अल्लाह रब रहमान ने सुबहान दा तज़करा फरमाया। सुबहान अल्लाज़ी पाके ओ ज़ात, पाके ओ ज़ात, सुबहान अल्लाज़ी पाके अल्लाह दी ज़ात, बुलंदे अल्लाह दी ज़ात, अजमत वाली शान वाली अल्लाह दी ज़ात है। अल्लाह तो बुलंद वाला कौन हो सकता है। सुबहान अल्लाह असरा भी अबदी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ने अपने बंदे नू सैर करवाई है अपने बंदे दा दिल बहलान वास्ते, मेरे नबी नू खुशियां देन वास्ते। मिनल मस्जिदिल हराम बैतुल्ला तो लैके इलल मस्जिदिल अक्सा बैतुल मुकद्दस तक, बैतुल अक्सा तक, अक्सल्लज़ी बैतुल अक्सा ओवे बारकना हौलहु लिनुरियहु। अल्लाहु अकबर कबीरा। मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिंदे इर्द गिर्द अल्लाह ने नेमतां अल्लाहु अकबर रखियां ने, बैतुल मुकद्दस दे इर्द गिर्द अल्लाह दियां बड़ियां नेमतां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। और रब सुन वाला भी है ते देखन वाला भी है। अपने बंदे नू सैरां करवा दित्तियां ने। अकाली सलातू असलाम फरमांदे ने मैं इशा दी नमाज लेट करवाई अपने सिहाबा नू, सिहाबा नबी अली सलाम दा इंतजार करया कर दे। अगर मेरे नबी नमाज तो लेट हो जांदे ते सिहाबा अपने इमाम दा एक एक घंटा इंतजार करया कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मिनट वध नहीं ते एक मिनट घट नहीं हो सकदा। अज दा साडा माशरा है, नाले कलमा पढ़ी जाने आ, नाले नबी दी सीरत चंगी नहीं लगदी, नाले कुरान पढ़ी जाने आ, नाले चढ़ाइयां कीती जाने आ। एक एक घंटा नबी दा इंतजार
ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਮਾਮ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਮ ਕੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਰੁਕੁਮ ਮਨ ਤਅੱਲਮਲ ਕੁਰਾਨ ਵਅੱਲਮਹੁ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਆਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲੇਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ, ਲੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਫ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਥਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਉਸ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਕਮਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਖੱਚਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਏ ਤੇ ਗਧੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਬੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਏ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੁਰਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹੀ ਅਸਰਾ ਬੀ ਅਬਦੀ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਉਸ ਬੁਰਾਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ।
तो उन्दियां लगामा जिबरी दे हाथ दे अंदर ने। अल्लाह अकबर, जिबरी मेरे नबी दा ड्राइवर बनिया होया है, ये अजमत क्यों है? अल्लाह अकबर, क्यों अल्लाह ने इनिया शाना ता फरमाया? ये यतीम है मक्का मेरे महबूब अली सलातु वसलाम ने, आखिरी पैगंबर ने, अल्लाह ने अपने नबी दा किस तरह दिल बहलाया वा सुबहान अल्लाह। हजरत जिबरील जा रहे ने अपने आका अली सलातु वसलाम नु लै कर गए। आका फरमांदे ने अल्लाह अकबर, तूरे सीना दे कोल पहुंच जाने आ, उत्थे मैं दो नफल अदा कीते ने। जिबरील कहंदे ने अल्लाह दे नबी, ए ओ तूरे सीना है, अल्लाह अकबर कबीरा, ए ओ पहाड़े जिथे हजरत मूसा अली सलाम डायरेक्ट रब नाल गल्लां करिया करदे सन, ए ओ तूरे सीना पहाड़ी है, मैं दो नफल अदा करना वा फिर साडा सफर शुरू हो जांदा है। अल्लाह अकबर, मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस दे कोल पहुंच जाने आ। हजरत जिबरील इस तरह उंगली जेड़ी है अल्लाह अकबर पत्थर दे अंदर कर दे ने, एक सुराख हो जांदा है, उथे उस अल्लाह अकबर जानवर नु बनया जांदा है। आका अली सलाम फरमांदे ने, मैं बैतुल मुकद्दस दे अंदर दाखिल हो जाना वा, जिवें मैं बैतुल मुकद्दस दे अंदर दाखिल हुन्ना वा, नमाजियां दा रश लगिया होया है, बैतुल मुकद्दस नमाजियां नाल भरी हुई है। एक केड़ी बैतुल मुकद्दस है जिहड़ी अज जालिमा यहूदियां दे कब्जे दे अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा, वह मस्जिद अक्सा दे अंदर। आका फरमांदे ने, मैनू नमाजी नमाजी नजर आ रहे ने, मैं पिछली हफ्ते खड़ा हो जाना वा। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत जिबरील अली सलाम मेरा हाथ पकड़ दे ने, बाजू पकड़ करके मुसल्ला इमामत ते खड़िया कर देंदे ने। आका फरमांदे ने, मैं दो नफल अदा कीते, नमाज पढ़ाई है, नमाज तो फारग हुन्ने वा। जिबरील पुछदा है, अल्लाह दे नबी जी, तानू पता है तुसी इमामत किन्ना नू करवाई है? आका फरमांदे ने, नहीं। गैब किधर गया? गैब किधर गया? गैब दियां खबरां जानन वाले किधर गए? आका फरमांदे ने, नमाज पढ़ाती मुकम्मल, मैनू नहीं पता मैं किन्ना नू नमाज पढ़ाई। हजरत जिबरील फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जी, ए आम लोग नहीं जिन्हां दी तुसी इमामत करवाई है, ए नबियां दी जमात है। अल्लाहु अकबर। ए हजरत आदम अली सलातु सलाम तो लैके हजरत ईसा अली सलातु सलाम तक कमो पेश समा लख पैगंबर ने, मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम दे पीछे नबियां ने नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा, सारी कायनात मेरे महबूब नु रब ने इमाम बना दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा, और दुनिया कायनात दे लोगो, रब दसना चाहता है जिथे मेरा महबूब मौजूद होवे, हाजर होवे, नाजर होवे, उथे आदम मुसल्ले ते खड़ा नहीं हो सकता, उथे नूह मुसल्ले ते खड़ा नहीं हो सकता, उथे ईसा मुसल्ले ते नहीं खलो सकता, उथे मूसा मुसल्ले ते नहीं खलो सकता, उथे जलील कदर पैगंबर हजरत इब्राहिम अली सलातु वसलाम मुसल्ला इमामत ते खड़े नहीं हो सके। जिथे मेरा पैगंबर मौजूद होवे, उथे हजरत यकूब अली सलाम इमामत नहीं करवा सके, उथे यूसुफ अली सलाम इमामत नहीं करवा सके, उथे यूनस अली सलाम इमामत नहीं करवा सके, उथे हूद अली सलाम इमामत नहीं करवा सके, उथे लूत अली सलाम इमामत नहीं करवा सके, उथे शीश अली सलाम इमामत नहीं करवा सके। और दुनिया कायनात दे लोगो, हजरत आदम तो लेके ईसा अली सलातु वसलाम तक कोई भी पैगंबर मेरे नबी की मौजूदगी अंदर मुसल्ला इमामत ते खड़ा नहीं हो सकता, ये रब दसना चाहते ने। और दुनिया कायनात दे लोगो, जिथे मेरा पैगंबर मौजूद होवे, ए मेरे पैगंबर दी अजमत है, आका दी शान है, आका दी अजमत है, कोई नबी भी मुसल्ला इमामत ते खड़ा नहीं हो सकता। तुसी नाले नबी नू हाजर भी मान दे जे, नाजर भी मान दे जे, ते किवें जुरत कर दे जे मुसल्ले ते खलो जांदे जे? इमाम साहब आप मुसल्ले ते खलोते ने, नौजबिल्ला नबी नू पिछे खिला रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करो अल्लाह समझन दी तौफीक अता फरमाए।
ਇਹ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਨਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਬੂਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਉਮਤੀ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 'ਚ ਤੁਰਾ ਫਿਰੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬੀ ਅਬਦੀ ਲੈਲਾ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਅਕਸਲ ਲਜ਼ੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਹੁ ਲਿਨੁਰੀਯਹੁ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਇਨਹੁ ਹੁਵਸ ਸਮੀਉਲ ਬਸੀਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾਜ ਕਰਵਾਈ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਹਾਂ। ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਏ, ਬਹਿਕਰੇ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਏ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ, ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਅਹਲਮ ਵਸਹਲਨ ਮਰਹਬਾ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਕੌਣ ਏ? ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾਜ ਦਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤੀ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਜਹੰਮੀ ਨੇ। ਆਦਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਰੂਹੁੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਗੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਦੂਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਯਹਿਯਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਹਿਯਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਾ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ
तेरे रब ने यूसुफ नूं ही दे छड़िया है। इतने खूबसूरत हजरत यूसुफ अली सलाम जिब्रील मैनू दसदा जा रहे है, जदों मैं चौथे आसमान ते टुर जाना वा मेरी मुलाकात हजरत इदरीस अली सलाम दे नाल हो जांदी है। अल्लाह हू अकबर कबीरा। फिर मैं पंजवें आसमान ते टुर जाना वा, सैरां हो रहियां ने। आका फरमांदे ने पंजवें आसमान ते मेरी मुलाकात हजरत हारून अली सलाम नाल हो जांदी है। हजरत मूसा अली सलाम दे भाई हजरत हारून अली सलाम छठे आसमान ते मेरी मुलाकात हजरत मूसा अली सलाम दे नाल हो जांदी है। जदों मैं सतवें आसमान ते पहुंचदा वां ते बैतुल मामूर दी टेक लगा के एक बंदा बैठा होया है। हजरत जिब्रील फरमांदे ने जिहड़ा बैतुल मामूर दी टेक लगा के बैठा होया है ये हजरत इब्राहिम अली सलाम ने। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अली सलाम नाल मेरी सतवें आसमान ते मुलाकात हुई है। आका फरमांदे ने आदम ने मैनू बेटा बेटा कह के बुलाया है, बाकियां नबियां ने मैनू भाई कह के बुलाया है, ते हजरत इब्राहिम अली सलाम ने भी मैनू बेटा कह के बुलाया है, क्योंकि मेरे महबूब अली सलाम इब्राहिम अली सलाम दी लड़ी चो पैदा हुए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और दुनिया कायनात दे लोगो, ए बैतुल मामूर होवे मेरे महबूब ने फरमाया है, रोजाना 70,000 फरिश्ता दे अंदर दाखिल हुंदा है, ते जिहड़ा 70,000 फरिश्ता एक दफा दाखिल हो जांदा है क़यामत तक उंदी दोबारा वारी नहीं आएगी। इन्ने रब ने फरिश्ते बना दिते ने। इन्दा बैतुल मामूर दा तवाफ कीता जांदा है जिवें बैतुल्ला दा तवाफ कीता जांदा है, बैतुल्ला दे उत्ते ही बैतुल मामूर है। आका फरमांदे ने फिर मैं सतवें आसमान दे पहुंच जाना वा, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मैं सिदरतुल मुंतहा ते टुर जाना वा, हत्ता के मेरे महबूब फरमांदे ने मेरे कन्ना दे अंदर कलमा दे खड़ाक दी आवाज आंदी है। अल्लाह अकबर जिब्रील एका दी आवाज है, आका जी ओ फरिश्ते कलमा दे अंदर कलमा नाल गल्ला रब दियां तहरीर पे करदे ने। मैं बहुत ही रब दे करीब पहुंच जाना वा। कई बंदे ते नबी दी अजमत बयान करदियां कहंदे ने कि मिराज वाली रात मेरे नबी ने अल्लाह नाल डायरेक्ट मुलाकात कीती है, मेरे अल्लाह नू वेखे है। अल्लाह अकबर। सहाबा ने सवाल कीता है, अल्लाह दे नबी जी क्या तुसी रब नू वेखे है? आका फरमांदे ने नहीं मेरे सहाबा, भला मैं नूर नू किवें देख सकना? मेरे नबी दा जवाब है, सहीहुल बुखारी दे अल्फाज ने, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने, जिहड़ा बंदा कहिंदा है कि मिराज वाली रात मेरे महबूब ने रब नू वेखे है, उन्हें झूठ बोले है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरमियान दे अंदर नूरी अल्लाह अकबर नूर दे पर्दे मौजूद ने, पर्दे दी हालत दे अंदर गुफ्तगू होई है, अल्लाह दे नाल मेरे महबूब दी गलबात हो रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमांदे ने जदों मैं मिराज दे सफर ते जा रहा वा, तवज्जो करिया जे, रस्ते दे अंदर एक मैनू बुढ़िया औरत नजर आई है। अल्लाह अकबर मैनू आवाजा मार दी, मैं तवज्जो नहीं कीती। अल्लाह अकबर कबीरा। ते जिब्रील नूं मैं पुछिया, जिब्रील ए बुढ़िया औरत कौन है? नौजवानो तवज्जो करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अली सलातु व सलाम जी, ए जिहड़ी तुहानूं बुढ़िया औरत नजर आई है, ए दुनिया दी जिंदगी है। जदों बंदा बुढ़ा हो जांदा ना, कईयां दा बेशक ख्याल ना होवे, उदों फिर मौत तो अलावा कोई है वो कुचारा? दोबारा उन्हें जवान ते नहीं ना होना? पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। नबी अली सलाम नूं मिराज दी रात दिखाया गया है कि सिर्फ ऐ जिंदगी है, सिर्फ थोड़ी जिंदगी रहेगी, थोड़ी जिंदगी, अपने आप नूं साफ कर लो।
आका अली सलातु वसलाम नूं अल्लाह अकबर सैरां करवाइयां जा रहियां ने, मेरे महबूब अली सलाम नूं मकामात दिखाए जा रहे ने। अर्ज कीती जिबरील सोने नूं आके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है, सवारी लिदर ते बुरा का गया है, लगामा फड़न ली गुलाम आ गया है। एवें लोकी नूरी 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 करदे ने, अल्लाह की कसमे मेरे पैगंबर की अजमत नूरिया तो ज्यादा है, नूरिया तो ज्यादा मेरे पैगंबर की शान है। इधर वेख गुलामिया हो रही ने, मेरे महबूब दिया गुलामिया नूरी पे करदे ने। अल्लाह अकबर, तू नूरी कह के मेरे पैगंबर की अजमत घटाना चाहना है? आका अली सलातो सलाम दी अजमत मलाइका तो ज्यादा है। अल्लाह अकबर, इस्तकबाल हो रहे ने, गुलामियां हो रही ने, अल्लाह अकबर कबीरा ड्राइवरियां हो रही ने। अर्ज कीती जिबरील सोने नू आके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है, सवारी ली दर दे बुराका गया है, लगामा फड़न ली गुलाम आ गया है। जाक साच पहुंचे आका प्यारे, जाक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इना तजारी च सारे, ते जिबरील नबिया नू एलान कीता, ते जिबरील नबिया नू एलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ते जिबरील नबिया नू एलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। जसिदरा ते पहुंचे आका प्यारे, खड़े सन मलाइका इंतजारी च सारे, जसिदरा ते पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन मलाइका इंतजारी च सारे, ते अल्लाह ने मलका नू एलान कीता, ते अल्लाह ने मलाइका नू एलान कीता, खुशियां मनाओ मेरा मेहमान आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुहाडे ते मेरे पीर दियां अजमतां बयान हो रही ने। अगर नबी दी शान सुन के भी तुहाडी जबान जो सुबहान अल्लाह ना निकले, फिर कादे मुसलमान जे। अल्लाह अकबर कबीरा, आका अली सलाम नू सहरां करवाइयां जा रही ने। आका फरमांदे ने, मेरी रब नाल मुलाकात हुई है, डायरेक्ट साड़ी गुफ्तगू हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा, नूरी पर्दे विच मौजूद ने, मैं रब नू नहीं वेखिया, क़यामत वाले दिन अल्लाह दा दीदार होएगा, सारिआं नू ही होएगा, जन्नतियां नू होएगा, सारे मिल के आमीन किया जे इंशाल्लाह असीं वी क़यामत नू अपने अल्लाह दा दीदार करांगे। अल्लाह अकबर कबीरा, आका अली सलाम फरमांदे ने, मैं चंद लोगां दे कोलों गुजरे आवां। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा सोहणे बटेरे पुजे होए, बड़ा सोहणा गोश्त तैयार कीता जा रहे है, दस्तरखान लगाए गए ने। अल्लाह अकबर, बड़ा खूबसूरत भुनिया होया गोश्त पिया होए है, ते ये जड़े चंद लोग ने, ये पुजिया होया गोश्त छड़ गए, बटेरियां दा गोश्त छड़ गए, ते बदबूदार गंदा गोश्त खा रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं पूछिया जिबरील कौन लोग ने, नाले गोश्त खांदे ने, जबरदस्ती खिलाया जा रहे है। अल्लाह अकबर कबीरा, ते अल्लाह दे नबी जीए ओ लोग ने, जड़े दुनिया ते रह के हराम खाया करदे सी, हलालो हराम दी तमीज नहीं सी करिया करदे, हराम खान वाले क्यामत दे दिन बदबूदार ते गंदा गोश्त खादा जाएगा, क्यामत तक इन्हां नाल मामला कीता जाएगा, फिर हिसाब तो बाद जहन्नम दे सपुरद कर दिता जाएगा।
आका फरमाते ने मैं गुजरदा जा रहा वा अल्लाह पर मेरा गुजर ऐसे बंदियां दे कोल होए है अल्लाह पर उन्हां दे होंट जेड़े ने ऊंठा दी तरह बड़े बड़े होंट ने अल्लाह मेरी तौबा ते फरिश्ते जेड़े ने उन्हां दे होंट फाड़ फाड़ के उन्हां दे मुंहां दे अंदर गोश्त पांदे ने उन्हां दे पखाने वाली जगह चो गोश्त बाहर निकल जांदा है। मैं पूछया जिब्रील ये कौन लोग ने अल्लाह अकबर कबीरा आका अली सलात व सलाम जी ये ओ लोग ने जेड़े दुनिया दे लैके यतीमां दा माल खादा कर दे सन यतीमां दा माल हड़प करन वाले यतीमां दे जुल्म ते ज़ियातियां करन वाले ना किसे दा हक खाया कर ना किसे यतीम दा हक खाया कर फरमाया यतीमां दा माल खान वालियां नाल सलूक कीता जा रहा है कियामत नूं इन्हां नूं जहन्नम दा पालन बनाया जाएगा। मिराज दे सारे कुछ ही बयान करदे ने पर मिराज वाली रात होया की है आका अली सलाम फरमांदे ने मैं अगे टुर जाना वा टुरदे हां अल्लाह अकबर कबीरा आका फरमांदे ने कुछ औरतां दे कोलों गुजर होए है इन्हां औरतां नूं छातियां तों पकड़ कर करके ऊंदियां करके लटकाया गया है थले अग जलाई जा रही है इन्हां दी चीखो पुकार दी आवाज नहीं सुनी जा रही। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कौन औरतां ने अल्लाह दे नबी ओ ने जड़ियां दुनिया ते आवाजा लगाया कर दियां सी नऊज़ बिल्ला मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी जड़ी बकवासात करया कर दियां सी अल्लाह पर हालात खराब करया कर दियां सी ए बदकारा ते सानियां औरतां ने ए औरतां ने जड़ियां कुरान सुन के ते पर्दा नहीं सी करया कर दियां एक औरत की वजह तो चार बंदे जन्म च जाणगे चार बंदे एक बाप एक खामद एक भाई ते एक बेटा ये चारे ये औरत खुद शिकायत करेगी करे चाहते तो मैनू रोक सकते इन्हें मैनू रोकया तो टोकया नहीं मुआशरे दे नाल चलते रहे गूंगे बन गए जी मुआशरे दे नाल चलना पैंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा आका अली सलाम फरमांदे ने मिराज मैनू करवाई गई अपनी उम्मत दे सबक वास्ते ताकि मेरी नाले मेरा दिल बहलाया गया है नाले ये मंजर विखाए गए ने ताकि नबी दी उम्मत तौबा कर लवे। अल्लाह अकबर आका फरमांदे ने मैं चलदा जा रहा वा चलदियां आका अली सलात व सलाम फरमांदे ने बड़े बड़े पेटा वाले मैनू बंदे नजर आए इतने इतने बड़े पेट ने आका फरमांदे ने जिवें इवें मालूम पेटा के अंदर घोड़े दौड़ते नजर आ रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा ये कोई डाइजेस्ट का किस्सा नहीं है कोई ड्रामा ते कहानियां नहीं ये मेरे पैगंबर दियां पेशीन गोईयां ते आका अली सलाम ने जड़ियां अपनी अखां दे नाल मंजर वेखी है जिंदा नक्शा कुरान ने खिंचे है जिंदा नक्शा हदीस ने दसे है। आका फरमांदे ने जो मालूम हुंदा इन्हां दे पेटा च घोड़े भजदे फिरदे ने बंदे का पेट वड्डा हो जाए बंदा बड़ा परेशान हो जाता है इतने इतने बड़े पेट ने। अल्लाह अकबर आका अली सलाम फरमांदे ने ए चीखो पुकार पे कर दे ने अल्लाह दे नबी जी ए कौन लोग ने हजरत जिब्रील फरमांदे ने ए ओ लोग ने जेड़े दुनिया दे रह के सूदी कारोबार करया कर दे सन। अजकल सूद का नाम बदल के सूद का नाम तब्दील कर गए अल्लाह पर मुल्क का वजीर आजम ये कहिंदा है सूद तो बगैर साडा मुल्क नहीं चल सकता वजीर भी ये कहिंदा है मशीर भी ये कहिंदा है सूद तो बगैर साडा मुल्क नहीं चल सकता वो मुसलमानों की बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा आ जड़ा मोबाइल के अंदर एडवांस पैसे लेंदे जे ये की है सूद 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 ये हराम है। अल्लाह अकबर अल्लाह ने सूरत कारिया दे अंदर नक्शा कीती है फरमाया अल कारिया तो मल कारिया शिल मबसोस वतकोन जिबाल कल एह निल मनफोस
बख्श। अल्लाह अकबर कबीरा, अलकारियत मलकारिया, क्या अजीम हादसा, क्या अजीम हादसा, तानू की पता कि अजीम हादसा है। अल्लाह फरमाते ने यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, ऐसा अजीम हादसा है जो लोग तनु बिखरे नजर आएंगे। मां पुत्र नु छड़ देगी, पुत्र मां नु छड़ देगा, अबू बाप नु छड़ देगा, बाप अबू नु छोड़ देगा। यौम यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतीही व बनी, ओ दिन आन तो पहले पहले तौबा कर लवो। कुरान किंदा कुरान, यौम यकुलुल इंसानु अलकारियतु मलकारिया व मा अदराक मलकारिया, यौम यकुनु नासु कल फराशिल मबसूर व तकुनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। इतना वो अजीम हादसा है जिस दिन तानू पहाड़ रुइयां दी तरह उड़दे नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, एक कौन है निमनिल मुल्क, ए बादशाह सारी कायनात दा, ए रब्बे सारी कायनात दा, पहाड़ां नू रुइयां दी तरह उड़ा दीता है। वो दिन आन तो पहले पहले तौबा कर लवो ना। अल्लाह ने कुरान दे अंदर तीसरे मुकाम ते नक्शा कीजी है, फरमाया इक तारा बलि नास हिसाबुम वहुम फी गफलतिम मोरिजोन। हिसाब बिल्कुल करीब है, गफलत दी नींद सुते जे। अल्लाह अकबर, नमाज जांदी है चली जाए, जुमा जांदा है चला जाए, मौलवी ने घंटा तकरीर करनी है, आखर ते जाके नमाज पढ़ लवांगे, मिंबरे रसूल ते खड़ावां। अल्लाह अकबर कबीरा, जिम्मेदारी तो बगैर गल नहीं करांगा। अल्लाह दी कसमे जड़ी ए गल सोच के जुमा पढ़ने वास्ते आंदा है कि घंटा तकरीर होनी है, जमात नाल मिल जावांगा। अल्लाह दी कसमे, मैनू उस रब की कसम है जिन्हें सारी कायनात नो बनाया है, उनका जुमा उनके मुंह ते मार दिता जांदा है। ए मजाक है कोई दीन? अल्लाह अकबर कबीरा, ओ दिन आन तो पहले पहले खुदारा अपना मुहासबा कर लवो ना। मर जाना दुनिया छड़ जानी है, सीना तान के आकड़ दे नाल तुरना, कीता दौलत दे नशे खराब तेनो। जड़े बंदे कोल दौलत आ जाती वह कहता मैं नमाजा की करनिया ने, मैं हज जकात, ये तो गरीबां दा काम है। तो आका ने भी फरमाया है, आका फरमाते ने मैं जन्नत के अंदर झांक के देखे है, जन्नत अंदर ज्यादा तादाद मैनू माड़िया बंदियां दी नजर आई है। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, तौबा कर लो रब दे कोलों। सीना तान के आकड़ दे नाल तुरना, कीता दौलत दे नशे खराब तेनों, तेरी दौलत आराम ना लैन देंदी, आज दौलत दे पिछे लागे तेनू कोई चंगा नहीं लगता। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दौलतां ते माण करन वाला फिरौन आया सी, दौलतां ते मान करन वाला करून भी आया सी, दौलतां ते मान करन वाला अबू जहला भी आया सी, दौलतां ते मान करन वाला अबू लाबा भी आया सी, दौलतां ते मान करन वाला उतबा ते वलीद ते शहबा भी आए सी, लेकिन जलीलो खवार कर दिते गए। उन्हां दियां दौलतां भी उन्हां दे कम ना आईयां। सीना तान के आकड़ दे नाल तुरना, कीता दौलत दे नशे खराब तेनो, तेरी दौलत आराम ना लैन दिंदी, भुलिया कबर दा सखत अजाब तेनो। मन रब्बू का कहन गे मार बुरजा, अगो आवना नहीं जवाब तेनो। दुनिया दी लैटन दे अंदर बैठने वाले आ, जगमग जगमग कर दी हुई रोशनी दे अंदर बैठने वाले आ, दोस्तां ते सजना ते बेलियां दे अंदर महफल लगाने वाले, कदी कबर दी अंदर कोठरी नूं याद कर लिया कर। अल्लाह अकबर कबीरा, मन रब्बू का कहन गे मार बुरदा, अगो आवना नहीं जवाब तेनो, उथे रोवेंगा वेख के अमल नामा, उथे रोवेंगा वेख के अमल नामा, जदों देना
पवेगा हिसाब तेनों पक्के महल ते माड़ियां वाले आए। आज तू कहने मौलवी जी मेरा सिर खुरकन वास्ते टाइम नहीं, मैं किवें मसीते आ जावां। खुदारा खुदारा जदों रब दा बुलावा आ जाना जे फिर सारे ही टाइम निकल आंदे ने। पक्के महल ते माड़ियां वाले आए, एक दिन केर ना आन तकदीर तैनों, तेरा माल कमाया है तेरे जाना, जदों अजल दा वजया तीर तैनों, नहला के कफन फिर दे देवन, हाथी तोरनगे मां प्यो वीर तैनों, नहला के कफन फिर दे देवन, हाथी तोरनगे मां प्यो वीर तैनों। ओ पोया असल दे अंदर अपनी जिंदगी गुजारने वाले, अज बंदगी रब दी कर बंदे, कल नहीं आ सकदी, कल नहीं ओ आनी, कल फिर दूर हो जाएगी। अज 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 बंदगी रब दी कर बंदे। कई ऐसे भी बदनसीब ने जड़े हले तिकर दुकाना खोल के बैठे ने, हले तिकर बाजारां दी जीनत बने हुए ने। अज बंदगी रब दी कर बंदे, अज बंदगी रब दी कर बंदे, दिती जिंदगी रब कदीर तैनों, सुभान अल्लाह असरा भी अबदी लैल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लजी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ऐ मंजर मेरे महबूब नूं विखाया गई है, आखरी गल ते मेरा सलाम है। आका अली सलातो सलाम फरमांदे ने मेरा फिर गुजर होया ते फरिश्ते चंद बंदियां नूं पकड़िया होया, इन्हां दे जिस्म दे नालों गोश्त इन्हां दा ही, इन्हां दा गोश्त ला ला के ते इन्हां दे मुंह च पा रहे ने। अल्लाह अकबर, अपने जिस्मां नूं खुद चबा रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा, ते बड़ियां बड़ियां लोहे दियां कैंचियां दे नाल इन्हां दे होंठां नूं कटिया जांदा है, फिर होंठ वड्डे हो जांदे ने, फिर इन्हां दे होंठां नूं कटिया जांदा है। जिब्रील कौन बदबख्त लोग ने जिहड़े अपने जिस्मां नूं आप ही खा रहे ने, इन्हां दे होंठां नूं कटिया जा रहे है। अल्लाह दे नबी जी, ओ लोग ने अल्लाह अकबर जिहड़े दुनिया ते फसाद फैलाया करदे सी ते गीबतां करिया करदे सन। وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, हलाकत बर्बादी है उन लोगों वास्ते जिहड़े 24 घंटे तानू तशरीह करदे रहिंदे ने। एक कुरान दी आयत मैं कोलों तो नहीं बनाई, नऊज़ बिल्ला। وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, हलाकत बर्बादी उन लोगों वास्ते क्यामत दे दिन ए मामला होएगा, क्यामत तक इन्हां नाल सलूक किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, उत्थों गल सुनी ते उत्थे उत्थों सुनी ते उत्थे। अल्लाह अकबर, किसे नूं भी नहीं छड़ना, किसे नूं भी नहीं माफ करना। 24 घंटे तानो तशरीह, गिला शिकवे, अल्लाह अकबर। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी गीबत किनू कहंदे ने, एक बंदे दे अंदर ऐब पाया जाता है तो उनका तज़करा किया जाता है। आपने फरमाया गीबत, तो जे उनके अंदर ऐब मौजूद नहीं तो तुसी गल करोगे उनके बारे तो वह तोहमत है। ते मेरे ख्याल ना इला माशाला मस्जिदा भी अजकल पाक नहीं रही, गीबत तो मस्जिदा भी पाक नहीं रही। अल्लाह सानू महफूज फरमाए। मस्जिदा की बर्बादी की वजह यह है, बगैर तहकीक तो सारे काम हो रहे हैं, गलत फहमियां का शिकार मौलवी भी गलत फहमियां का शिकार। मैं पहले अपने आप नूं पेटना, पहले मैं अपने आप का मुहासबा करना कि गुस्सा ही ना कर जाओ। मौलवी भी गलत फहमियां के शिकार, अल्लाह अकबर मुक्ति भी गलत फहमियां के शिकार। हालांकि सूरत हुजरात खोलो, इनका मुतालिया करो। अल्लाह के महबूब ने साफ साफ, रब ने महबूब को ऐलान करवाया, अगर किसी के बारे बात सुनो डायरेक्ट उस बंदे नाल मुलाकात करो, उनकी तहकीक करो, कि ना हो तू अपनी जब
जबान चो किसी को गल सुन के अपनी जबान चो ऐसे जुमले कट दवे कल कियामत दे दिन ये जुमले तेन जहन्नम के अंदर लै जा। कभी असी सोचे अल्लाह अकबर, बस गल सुनी उनके पिछे सारे ही लग गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना ते जदों तोहमत लगी ना, हालांकि सारे बंदे नूं पता झूठ सी, 18 कुरान दी आयतां पाक दामनी च नाज़िल होईयां ते तोहमत लगी ते झूठ नूं इन्ना उभारिया गया, इन्ना उभारिया गया कि कई कमज़ोर लोग ईमान भी विच मुसव्वर विच शामिल हो गए, विच मुलव्वस हो गए। जिवें असीं नहीं कहिंदे यार गल निकली है, गल आखिर है ते सही, अस्तगफिरुल्लाह, गल निकली गल है तो सही। अदर तैशा फरमांदियां ने मैनू तो उदन पता लगा है, मैं बाहर कजाए हाजत वास्ते गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हजरत मिस्ता का तजकरा होया तो उनकी माँ ने कहा मिस्ता नू बुरा भला कहा, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने क्यों क्यों मेरे वीर नू बुरा भला कहनी है, वह तो नबी का सियाबी है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो कह लगी नहीं भोलीए तेनू पता ही नहीं मदीने के अंदर तो यह गल मशहूर हुई है। हजरत ऐशा फरमाते हैं मैनू चंद दिन बाद पता चलिया, फिर मैं अपने आप के अंदर मर गई, लेकिन मेरे रब ने उनकी हिफाजत फरमाई, 18 कुरान दियां आयतां नाजल फरमाइया। लोगो इस तरह मेरे पैगंबर ने मेराज की रात मंजर वेखे, अल्लाह अकबर कबीरा, और अपनी उम्मत नू सबक दिता है, दुनिया के लोगो तौबा कर लवो, अल्लाह के नाल सच्ची सुलह कर लवो, सब तो पहले रब नाल सुलह होए, उस तो बाद फिर मेरे भाईओ अपनी इज्जत का इन्ना ख्याल कर दे जे, हजार लखा करोड़ा गलतियां के बावजूद बंदा अपने नाल प्यार ते मुहब्बत करता है, किसी की एक गलती भी वारा नहीं जे खांदी। तुसी रब नहीं, खुदा नहीं, अल्लाह फरमांदे ने फैसला मैं करना है, हिसाब मैं लेना है। तुसी कौन होंदे जे हिसाब लैन वाले, जेड़ा दुनिया ते किसे दा हिसाब लैंदा है, किसे ते जुल्म ते ज्यादती करदा है, अगर कोई किसे जानवर ते भी करे मैं रब नूं वारा नहीं खांदा, ते फिर तुसी इंसानां ते ज्यादतियां करदे जे। अल्लाह फरमांदे ने किसे ते ज्यादती ना कीजिए, कल कियामत दे दिन हिसाब देना होएगा। अल्लाह दे महबूब जी, ओ लोग ने जेड़े गीबतां ते चुगलियां करिया करदे, अल्लाह मेरी तौबा, आकल इस्लाम सिहाबा दे हमरा जा रहे ने, दो कबरां दे कोलो गुजर होया, दो कबरां वाले नू अजाब हो रहे है। आकल सलात व सलाम ने दसिया कि ए दो कबरां वाले नू कुछ ज्यादा वड्डा बेजाहर गुनाह नहीं सी कि जिंदे कोलो नाम बच सकदे, एक नू तां अजाब हो रहे है पेशाब दे छिटियां तो नहीं सी बचिया करदा, दूसरे नू तां अजाब हो रहे है इंदी जबान बड़ी लंबी सी, लोगां नू आपस लड़ाया करदा, फसादात फैलाया करदा, ना इंदी जबान तो हमसाए महफूज, ना इंदी जबान तो अपने महफूज, ना बगाने महफूज, ना मसाजिद महफूज, ना मदारस महफूज। अल्लाह दे नबी फरमाते ने अज नूं कबर दा अज़ाब हो रहा है। ऐसी मेराज हले सिर्फ थोड़ा जिहा वाकया मैं बयान कीता है, इंशाल्लाह इस उनवान नूं अगे चलाया जाएगा। मेरे पैगंबर ने जन्नत की भी सैर की, किस तरह की, फिर रब ने बुला के अपने महबूब नूं अरशे बरी ते दो तोहफे ते इनाम अता फरमाए, वह किहड़े तोहफे सी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सानू बेशर्ते जिंदगी जिंदा रखे। ये दोबारा दसे जाएंगे कि अल्लाह के नबी ने मेराज अल्लाह के नबी नूं करवा के ये मंजर सिर्फ इस वास्ते दिखाए, उम्मते मुहम्मदिया वास्ते सबक है, उम्मते मुहम्मदिया वास्ते से सबक है कि लोगो आ जाओ अपने रब वल, तौबा कर लवो, एक दूसरे नाल सुलो कर लवो, रहमान ताडे ते राजी होएगा। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।